आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि एक घोड़े को 40 मीटर गुणित 36 मीटर के आयताकार मैदान के एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरने के लिए बांधा गया है। वह मैदान के कितने क्षेत्रफल में चढ़ सकता है, बताना है। पाई का मान यहाँ 22/7 हमें रखना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने चित्र दर्शाया है जहाँ 40 गुणित 36 वर्ग मीटर का आयताकार मैदान हमने दर्शाया है तथा यहाँ पे एच से हमने घोड़े को दर्शाया है जो कि 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस रस्सी की सहायता से यह इस प्रकार दोनों तरफ वृत्ताकार मार्ग में गति कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अर्थात यह क्या करेगा, यह सिर्फ इतने ही जगह को क्या कर पाएगा, चर पाएगा, जो हम यहाँ पीले रंग से दर्शा पा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं चूंकि यह जो रस्सी है वह 14 मीटर की है और यह एक वृत्ताकार मार्ग में गमन कर रहा है, तो यह क्या करेगा, यह यहाँ पर एक वृत्त का भाग बनाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं चूंकि आयत का एक जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है, तो इस कोण द्वारा वृत्त का कौन सा भाग बनेगा, इस कोण द्वारा हम कह सकते हैं वृत्त का चौथाई भाग बनेगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं चूंकि 14 मीटर की रस्सी का त्रिज्यीय वृत्ताकार गति कर सकता है, चूंकि जो घोड़ा है यह जो रस्सी लिया है वह 14 मीटर का है तथा यह क्या कर रहा है, आयत में 90 अंश का कोण बना रहा है, और चूंकि यह वृत्ताकार गति कर रहा है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि केंद्र, यदि हम आयत के इस शीर्ष को केंद्र माने तो यहाँ पे एक त्रिज्य खंड काट रहा है। दोस्तों यहाँ से चूंकि हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। यह हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं थीटा की जगह है 90 अंश, आर की जगह क्या है, आर की जगह है 14 मीटर की रस्सी। तो यहाँ से थीटा की जगह हम रखेंगे 90 बटे 360 गुणित पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणित आर का मान हम रखेंगे 14 का वर्ग है इसलिए हम 14 गुणित 14 लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से शून्य कट गया, 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 ग्यारह 22, 2 से पुनः भाग देंगे 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा 11 गुणित 14। 11 गुणित 14 करने पर हमारे पास आएगा 154, और यह मान किस में आएगा, यह मान आ जाएगा वर्ग मीटर में। तो दोस्तों हमें जैसे कि प्रश्न में बोला गया था कि मैदान के कितने क्षेत्रफल में चढ़ सकते हैं, उसका मान हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमने लिखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, तो यहाँ से हमने 154 वर्ग मीटर निकाल लिया। उम्मीद है आप लोग का सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।